रूस के वार से बचने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने ऐसे सिर उठाया कि यूक्रेन के घर घर में पेट्रोल बम बनाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। पुतिन से बदला लेने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने पेट्रोल बमों को अपना हथियार बना लिया है। लोगों के पास गोली बंदूक तो है नहीं, लेकिन इसलिए उन्होंने आग लगाने वाले पेट्रोल बम बनाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के एक टीवी चैनल ने तो लोगों को पेट्रोल बम बनाना सिखाने के लिए बाकायदा एक शो तक चला दिया, जिसके बाद खुद यूक्रेन की सेना ने खार्किव प्रांत का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी आग की लपटों में धधकती नजर आई, लेकिन रूस की सेना की गाड़ी का ये हश्र उसके सैनिकों ने नहीं बल्कि यूक्रेन की एक महिला ने कर दिखाया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि वहां की एक महिला ने पेट्रोल बम से ऐसा हमला किया कि खार्किव की सड़कों पर दौड़ रही रूस की भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ी चंद सेकंड में चिता बन गई। खार्किव प्रांत में खार्किव नाम से ही यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि उसके उत्तर पूर्व में बसा है, यानी वो दिशा जहां यूक्रेन का लंबा बॉर्डर रूस से लगता है। इस शहर में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की फौज उससे बीच सड़क पर जंग लड़ रही थी, और फिर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने रूस को खार्किव से खदेड़ दिया है। लेकिन पेट्रोल बमों ने सिर्फ खार्किव में ही पुतिन की सेना के पसीने नहीं छुड़ाए। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर खार्किव के पड़ोसी प्रांत सुमय का भी एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सड़क से एक गैस टैंकर गुजरता दिखा। तभी दाईं तरफ से एक पेट्रोल बम उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। हालांकि गैस टैंकर हमले से बच निकला, अगर उस पर पेट्रोल बम गिरता तो वो आग पकड़ लेता, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था। असल में दो दिन पहले ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर अपने नागरिकों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की थी और कहा था कि जैसे ही रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो, यूक्रेन के नागरिक उस पर पेट्रोल बम बरसाकर उसके छक्के छोड़ा दें। इसके बाद तो यूक्रेन में लोग इंटरनेट पर पेट्रोल बम बनाने के तरीके ढूंढने लगे। यहां तक कि यूक्रेन के रेडियो और टेलीविजन पर भी पेट्रोल बम जैसे खतरनाक हथियार को बनाने की जानकारी दी जाने लगी, जिसका ऐसा असर हुआ कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जो लोग अब तक रूस के खौफ में बंकरों, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में छिपे बैठे थे, वो वहां लगे 39 घंटे के कर्फ्यू के बावजूद बाहर निकल आए। और फिर जो तस्वीरें सामने आई, उनमें जमीन पर कांच की दर्जनों बोतलें रखी नजर आईं, जिनको पेट्रोल बम बनाने के लिए यूक्रेन के नागरिक जुटे दिखे। रूस की फौज ने कीव पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। ऐसे में अपनी सेना का साथ देने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली।